हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम सब लोग शिवरात्रि, आज आपको हैप्पी शिवरात्रि चुके हैं। हम सुबह वैसे जल्दी उठे थे पर हम वीडियो वगैरह इसलिए शूट नहीं कर पाई, मैं थोड़ा सा कि क्योंकि हम नहाने धोने में लगे पड़े थे। बस मैं नहाने को रह गई हूँ और हमारी घर की लड़कियाँ रह गई हैं, बाकी ये मम्मी जी भी नहा लिया तैयार हो चुकी हैं। वो मम्मी भी नहा ली मेरी तैयार हो चुकी हैं और चाची वाची सब लोग नहा धो के तैयार हैं। और बस मेरा और सारे का रह गया, हम दोनों रह गए नहाने धोने के लिए। वो उस तरफ सर धो रही है अपना बेचारी झुककर, तो हम लोग बस नहा धोकर और तैयार होकर फिर जाएंगे अपने शिव मंदिर और वहाँ जा चढ़ाएंगे शिव जी को लोटा, मतलब जल चढ़ाते हैं वहाँ पर हम जाएंगे इसीलिए। और पता नहीं गांव के बहुत सारे लोग भी जा रहे हैं शिव मंदिर और मैं जाऊँगी। हमारे पास ये छोटे छोटे से ऐसे लोटे हैं, हम इनमें ही जल भर के लेके जाएंगे। और ये देखो सोतड़ो इंसान, अब जाके जगेंगे लोग। अरे यार, अब जाके सो के उठे ये लोग और हम लोग बेचारे 6 बजे के सब मतलब 5:30 बजे के उठे पड़े हैं इसीलिए। हम लोग सब लोग तैयार हो चुके हैं नहा के और हम सब जा रहे हैं, हम निकल चुके हैं घर से। और रुक जाओ आराम से। और ये पार्टी भी तैयार हो चुकी है नहा के, क्यों ये भी तैयार हो चुके हैं, सब तैयार हो चुके हैं और हम चले जल चढ़ाने। वो लोटा घर आ गए सारी हमारे छोटे वाले आ जाओ। अरे उनका थोड़ा सा भी अभी अच्छा नहीं लगता ना, समझो। तरफ और शिव मंदिर की तरफ वहाँ पर हम चल चढ़ाएंगे। साइड का तो हाथ में लोटा है, ये लोटा लेके जाएंगे चढ़ाने के लिए। अब आज भैया शिवरात्रि है तो आज मेला देख सकते हो। रात को इतना मतलब ज़्यादा शॉप खुली नहीं थी और अब इंजॉय करो। बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इस टाइम बहुत। और मेरे हस्बैंड और मेरा भाई जो है वो अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं नहा धो के, और लेट लगती है, लेट उठती थी और लेट आ रहे हैं। ये देख सकते हो आप मोमोज मिल रहे हैं इधर पेस्ट्री से, और ये चेन चून बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। इधर कप वगैरह मिल रहे हैं, आपको देख सकते हैं मेरे पीछे कप वगैरह बहुत सुंदर सुंदर। हम सब लेंगे, सब खरीदेंगे जितना हो सकता है पॉसिबल। कौन कह रहा है, कोई बात नहीं। और ये देखो सिलबट्टे वगैरह रात आपको दिखाई थी मैंने, ये देखो इतनी सुंदर बॉटल है। ये इनको ढूंढने के लिए हम मंदिरों के पीछे जाया करते थे जब हम बहुत छोटे से थे, तो और हम ढूंढ के लाए भी करते थे और इतनी सुंदर सुंदर लगते हैं। मैं इनको लेके जाऊँगी यहाँ से, ये पूजा के लिए होती है मंदिर पे पूजा करने के लिए। ये देखिए जा रहे हैं सब लोग शिव मंदिर में गंगा जल चढ़ाने। अभी शुरू होने वाला है मंदिर का जो प्रवेश द्वार है वहाँ से, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है चलना। ये आप देख सकते हो मंदिर के अंदर कितनी भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा पर हम घुसने की कोशिश करेंगे अपना फुल। और यहाँ सिक्योरिटी पे पुलिस भी लगी हुई है और पूरा अंदर तक मंदिर से जाम ही जाम है। मैं 2 मिनट के लिए पोस्ट करूँगी वीडियो को। 20 रुपए के अभी जितेंद्र फौजी बिजानी 200 रुपए का दान देते हैं। जितेंद्र फौजी 101 रुपए सब लोग मंदिर के अंदर एंट्री कर रहे हैं। ये है 50 रुपए का दान देते हैं। ये बच्चा चढ़ा सकूँ, इसके अलावा 2 मिनट भी रुकने का टाइम नहीं मिला। और ये देखो ये मेरी सासु माजी, पानी डाला और मम्मी सब पानी मस्त लग रही है और वहाँ बहुत रश है। और ये जो कांवड़ लेके आते हैं महाबली शिवरात्रि की जो कांवड़ होती है वो है अपने, और ये थकार के आए और ये अपने जो है
लोग जो भी श्रद्धा दिखाते हैं अपना जो भी है, और हम बस ये मंदिर पे ज़्यादा रुकने का वो टाइम नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है और रुकने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो कैसा लगा मंदिर में आके, ये देखो वापस आ चुके हैं अपने घर और हम कराए शिव मंदिर में पूजा। हमें बहुत अच्छा लगा और भीड़ इतनी थी वो पूछो मत ही, बस थोड़ा बहुत जितना था टांग टूंग रख के हमने कर ली अपनी पूजा, बस कुछ नहीं। और ये कुकी है क्योंकि हमारा डॉगी है रैंडम, मम्मी आ जाएंगी अपने आप आ जाएंगी। मम्मी का क्या है, मम्मी टहलते फिरते आते रहती हैं। और चलो भैया घर, अब बनाएंगे अपने चाय पानी, आज फास्ट रखा था, अब चाय पानी बना के पी के फिर उसके बाद अपना खाना बनाएंगे, पूड़ी कचौड़ी वगैरह बनेंगी टेस्टी टेस्टी, और पकोड़े बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आइटम बनाएंगे खाने के लिए। और बस अभी मैं मिलती हूँ आपको बाद में। इन बाबा ने अपनी भैंसिया को नहला दिया, इतनी ठंड में है। बाबा मारोगे तुम भैंस को नहला के, ठंड में मारोगे भैंस को नहला के? हाँ ना, इतनी ठंड में बताओ। ओ भाई तुम गए नहीं गई, ये जनाब दोनों के दोनों भाई देखना, ये दोनों दिन गए नहीं, एक बार भी नहीं गए। तुम गए नहीं मंदिरों के आगे, तुम दोनों गए नहीं क्या मंदिरों में? अभी नहीं गए जाएंगे। इसको देखो ना लाइक, बस तमीज है तुम दोनों, कहाँ जाओगे सोलो बस तुम तो बस। अरे कुछ, ये हम तीनों जा रहे हैं, मैं विजय और राजवी, और ये हमारे एक बाबा है, ये हमारी फैमिली में ही आते हैं, तो हम इनके घर जा रहे हैं घूमने के लिए। तो बाबा पानी पिलाने ले जा रहे हैं, खाना खिलाने ले जा रहे हैं, पता नहीं खाना खिलाओगे बाबा, ये खाली पानी पिला के भगा दोगे हमें घर से हैं? बताओ पानी भी पिला सकते हैं? ये कह रहे हैं हम पानी ही पिलाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं खिलाएंगे। हाँ जरूर, इनका बहुत पहले बहुत बड़ा मकान हुआ करता था, तो कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से इनका फिर वो मकान जो था वो ख़राब हो गया, और जिस वजह से हम इनके घर आए हैं। तो अब देखो गांव में ये चीज़ अच्छी लगती है, ये घर देख रहे हो आपका, ये झोपड़ी बहुत अच्छी लगती है ऐसी वाली, और ये आज भी वो ठंडक देती है घरों में, देखो बहुत अच्छा लगता है। और ये इनका डॉगी है, ये हमें देख के भौंक रहा है बेचारा, नहीं रॉकी जैकी मैम, जैकी ये खा रहे हैं लड्डू, बाबा ने लड्डू, बाबा आप तो पानी का नाम ले रहे थे और लड्डू खिला दिया आपने तो, है शुक्रिया। और ये दादी हमारी कचौड़ी बना रही है, उधर कढ़ाई रखी है और उसमें तेल है, और ये कढ़ाई देखो कितनी बिल्कुल गोरी हो रखी है, चूल्हे पे चल रही है फिर भी इतनी साफ सुथरी है, और शहरों की इतनी कढ़ाइयाँ इतनी गंदी गंदी काली काली होती है। और वो आलू का पेस्ट, और ये दादी भरेंगी, स्टार्ट कर दिया इन्होंने ये हमारे यहाँ पे शिवरात्रि पे, मैंने बताया था हमारे यहाँ यही होता है, सब लोग ऐसे पकवान बनाते हैं और अच्छा लगता है। हाँ ये देखो ना कितना अच्छा लग रहा है, ये छप्पर के बीच में है ना, हाँ ये छप्पर के बीच में है और ये अच्छा लग रहा है। ये इस गर्मियों में सीरियसली बोलूँ, ये गर्मियों में हमेशा ठंडा रहता है, यहाँ कितनी भी गर्मी हो ये इस जगह पे कभी भी, ये जो कच्चा फर्श होता है यहाँ पर और ये जो छप्पर पड़ा होता है, इसमें कभी भी आपको एकदम बिल्कुल एसी वाली फीलिंग आ सकती है आपको, आप एक बार ट्राई करना सोना, और बहुत अच्छा लगता है सीरियसली। और जो लोग कहते हैं ना कि हाई ये गर्म लगेगा ये वो, नहीं सीरियसली ये नेचुरली इतना ठंडा होता है ना गर्मियों में, ये बहुत ठंडक देता है। और हमारे यहाँ मोस्टली लोग है ना घरों के बाहर या ऐसे बना के रखते हैं ये चीज़, और इसी में ही अपना सोते हैं और आराम करते हैं, जो कि बहुत अच्छा फील कराती है। तो गाइस हम चले अब फिर दोबारा मेले में, और आज देखते हैं क्या क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं सब लोग, तो चले हम अपने मेले की तरफ सब लोग पूरी फैमिली। अरे आओ रे आओ, चलो रे चलो, नमस्ते ताई जी, क्या कर रहे हो आप, खोआ चला रहे हो? हमारी ताई खोआ चला रही है, मतलब खोआ बना रही है दूध से, और इधर की पार्टियां पता नहीं निकलने को तैयार नहीं हो रही है घरों में से। चलो रे चलो मेला देखने, कहाँ है ये देखो, हद कर दिया इन्होंने तो भैया, हद कर दिया है समझना। ये भी तैयार हो रही हैं, आ रही हैं दो मिनट में, साड़ी वाड़ी पहन के आ रही हैं, और बस अब हम चले मेले की तरफ। ये पूरी फैमिली हम लोग आ रहे हैं, पीछे देख सकते हो ये मोस्टली जितने लोग दिख रहे हैं हमारी पूरी फैमिली, और हम सब पूरे मेले में दोबारा आ गए हैं, सेकंड नाइट आ गए हैं, क्योंकि यहाँ कम से कम एक हफ्ते तक लगेगा, और हम कम से कम जितने भी दिन अपने यहाँ रहेंगे हम उतने दिन मेले में घूमेंगे। और अभी भी देखो यहाँ पकवान शकवान फुल सब कुछ फुल बन रहे हैं, और बहुत अच्छा फील हो रहा है हमें यहाँ पर दोबारा आके। हमारा डॉगी है और ये मेले में हमारे साथ हमेशा आता है रेगुलर। कुकी आ जा, कुकी हमेशा कन्फ्यूज हो जाता है मैं कहाँ ढूँढूँ किसको,
और ये शॉप लग रही है और मस्त है, अच्छा लग रहा है। और बस हम मेले में अब घूमेंगे और फिरेंगे, फिर थोड़ी देर बाद अपना जो भी सामान है छुटपुट वाला हम लेंगे अपने चले जाएंगे वापस, पर अच्छा लग रहा है जो भी है। आ गए सब लोग पीछे, बस ये है कि गांव में मेले में रोज़ आओ और रोज़ रात को घूमो, मज़े आते हैं जितने भी दिन आते हैं, 7-8 दिन जो भी है। बस आपकी जलेबी ख़त्म? खत्म नहीं है। अरे भैया पूरा दिन काम किया आपने, है ना? अरे सही कह रहे हो, ये भैया पूरे दिन से मेले में जलेबी बना रहे हैं और अभी भी वेट कर रहे हैं कोई आए तो मैं जलेबी बनाऊं, और वो पेस्ट उन्होंने बना रखा है ये मेला। हाँ, और हम सब गोलगप्पे सारे खा खू के पैक हो रखे हैं और मम्मी पता नहीं इधर चली गई, एक चाचा ले गए हैं उनको खींच के, वो ये कह रहे थे कि मैं तुझे लॉन्च खिलाऊंगा, तुम्हें लॉन्च खिलाऊंगा भाभी चलो, और वो आ रही है देखो लॉन्च लेके अपने हाथ में डोंगे में भर के। लॉन्च मतलब होता है हमारे देसी जिसे मिल्क केक बोलते हैं, और ये अरे ये मिल्क केक नहीं, ये तो रसगुल्ले लेके आए हैं। चलो सही है रसगुल्ले लेके चले हम। ये अब मूव ऑन करते हैं अपनी घर की तरफ, और अब अंधेरा हो चुका है, बस घूम लिया आज, इतना ही था हमारे इस वीडियो में, और हम आगे बढ़ते हैं। अब मेला तो फिलहाल में ख़त्म, अब सुबह देखेंगे।